नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज मैंने 4 साल पहले का वो वीडियो देखा जिस वीडियो में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे समस्त ग्राम प्रहरियों को सम्मानित किया था। उस वीडियो को देखकर मन मेरा भावुक हो गया। भावुक इसलिए हो गया प्यारे मित्रों, आप यकीन मानिए, अगर मुझे पता होता कि इस तरह से सरकार ने आपसे वार्ता की तो बहुत अच्छे पॉइंट थे जो कि सरकार ने आपको खुल करके कह दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग समझ ना सके। ये वीडियो उन अंधभक्तों को देख लेना चाहिए जो चाटुकारिता करने का काम करते हैं और दलाली करने का काम करते हैं। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, उन कुछ चंद लोगों को बोल रहा हूँ, थोड़ा कड़वा है। प्यारे मित्रों, अभी ये वीडियो की क्लिप चला दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। और माननीय यूट्यूब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कॉपीराइट ना लगे, मैं ज़्यादा तो नहीं चला पाऊँगा, छोटा सा क्लिप चला दूँगा, आप उस पर सुनिए। उस पर सीधे तौर पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत क्लियर कहा कि अगर आप सम्मानित बनना चाहते हैं, पद को सम्मानित करना चाहते हैं, तो ईमानदारी और कर्म करते रहना चाहिए। शासन आपके हक और अधिकार के लिए सोचता रहेगा हमेशा, लेकिन अगर आप पद पे ही बोझ बन जाएंगे तो समझ लो कि फिर ये विभाग बेकार है। और हकीकत यह है कि कुछ चंद लोग इस ग्राम प्रहरी पद पर बोझ है। हकीकत में दुर्भाग्य है, उन्होंने सारे कामों को गिनाया है। आप सोचिए, उन्होंने सारे कार्यों को गिनाया कि ग्राम प्रहरी का कार्य क्या होता है। अगर सच में हकीकत में चाटुकार अगर एक हो जाए और सभी लोग मिलकर के ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करना स्टार्ट कर दें, जो उनकी ड्यूटी होती है, आप यकीन मानिए, मेरा पूरा भरोसा है कि ये योगी सरकार आपको वंचित नहीं रखेगी, आपको सम्मानित बना देगी। उन्होंने साफ कहा है कि आपका काम सप्ताह में एक दिन का होता है सूचना देने का, वो भी डायरेक्ट थाना अध्यक्ष और प्रभारी से आपको मतलब है, किसी दीवान मुंशी से नहीं। उसके बाद भी हमारे ग्राम प्रहरी आज तक नहीं समझ पाए, 4 साल पहले भाषण दिए गए थे और आज तक उन्हें नहीं पता चल पाया, क्योंकि हर एक चीज बारीकियों से मैं समझाता हूँ। मैं अगला वीडियो फिर बनाऊंगा इसी के ऊपर, लेकिन पहले आप इस क्लिप को सुनिए और फिर इसको बाद में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये क्या है, इसको समझो बारीकियों से। सरकार की तो मंशा है आपको सम्मानित करने की, लेकिन आप होना ही नहीं चाहते। आपको अगर ये वीडियो मैंने पहले देखा होता मेरे भाई, हकीकत में मैं इसी ऐसे ही माहौल पर आपको पहले तैयार करता और फिर मैं कार्य करता, और वही मैं आगे प्रक्रिया भी कर भी रहा हूं। और देखिएगा आपका सम्मान कैसे नहीं होता। सरकार तो चाहती है आपका सम्मान, अब आप खुद ही नहीं करवाना चाहते तो ये तो आपकी गलती हो सकती है ना मेरे भाई। इस क्लिप को देखिए, आपकी आंखें खोल देगी इस क्लिप में। और अच्छी लगे तो उन चाटुकार लोगों तक जरूर भेजना जिनको सिर्फ हड्डी और पैक से मतलब होता है। जय हिंद, जय भारत। आपका इस सम्मेलन में हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टि से सूचनाओं के आदान प्रदान और सबसे निचली इकाई में भी शांति और सौहार्द बना रहे, इसके लिए पुलिस महकमे के नींव के पत्थर के रूप में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। इससे पहले वाराणसी में मैंने जनपद वाराणसी से जुड़े हुए सभी ग्राम प्रहरियों के इस एक छोटे से सम्मेलन को वहां पर भी उनके साथ संवाद स्थापित किया था। मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा था कि हमारे पास प्रदेश के अंदर कुल 60,000 ग्राम पंचायतें हैं
जबकि ग्राम प्रहरियों की संख्या हमारे पास 68,337 है। अगर इनका बेहतर उपयोग हो तो इनके माध्यम से हम प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में शांति और सौहार्द की स्थापना के साथ साथ अनेक उन गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगा सकते हैं जो कभी कभी पुलिस के लिए एक चुनौती होती है और आम जनजीवन को प्रभावित भी करता है। और इससे बहुत दिनों से हम लोग इस पर विचार कर रहे थे कि आखिर इसके लिए क्या हो सकता है। मैं धन्यवाद दूंगा परमोच्च गृह को और पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह जी को कि जिन्होंने इस दिशा में अपनी पूरी टीम के साथ बैठक करके कुछ एक रणनीति बनाई और आज उस प्रक्रिया को कुछ आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। मुख्य रूप से मुझे पहला यह देख करके वो जब मैं वाराणसी में गया था तो उस समय ग्राम प्रहरी को चौकीदार कहते थे तो मुझे भी संकोच हो रहा था कि चौकीदार बोलने में, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी चौकीदार देश का चौकीदार कहलाने में गौरव की अनुभूति की तो मुझे भी लगा कि अब तो हमें गांव के चौकीदार करने में भी संकोच नहीं होना चाहिए। और इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सब जानते हैं कि चौकीदार का काम होता है सदैव चौकन्ना रहना, और जब चौकीदार चौकन्ना रहे तो चोर भयभीत होंगे ही, भय खाएंगे। एक बहुत बड़ा रोल है आपका और मैं इस बात को हमेशा देखता हूं कि चौकीदारों की भूमिका सदैव रात्रि में होती है। गांव हमारी व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। ग्राम पंचायत के निवासी होने के नाते आप सब जानते हैं कि गांव का जो माहौल होता है वह परस्पर मेलजोल का होता है। हर एक की गतिविधि के बारे में गांव का एक एक व्यक्ति जानता है कि कौन व्यक्ति कैसा है, किसकी गतिविधियां कैसी हैं, गांव में उसकी क्या भूमिका होती है, उसके पास आय का स्रोत क्या है, अचानक वह इतना पैसे वाला कैसे बन गया है, उसके नैतिक साधन से या अनैतिक साधन से वह कार्य कर रहा है, उसके जो अनैतिक साधन है यह हमारी सुरक्षा के लिए, गांव की सुरक्षा के लिए, गांव के नाम को बदनाम करने की दिशा से या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरनाक हो सकती है, इसमें एक बड़ी भूमिका आपकी हो सकती है। और मैं समझता हूं कि उसी भूमिका के लिए आपको जागरूक करने के लिए आज हम सब यहां पर बैठे हैं। याद रखना, कोई अधिकार मांग देने या हो हल्ला करने से मिलता नहीं है। अपने आप को, अपनी भूमिका को साबित करके हम जब अपनी उपयोगिता को साबित कर सकेंगे, अपनी सक्षमता को साबित कर सकेंगे, तो स्वतः ही शासन के स्तर पर हम सब के बारे में सोचना प्रारंभ होता है। और मुझे लगता है कि 68,000 से अधिक ग्राम प्रहरी जो गांव के चौकीदार के रूप में जिनकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है, अगर ये जागरूक हो जाएं तो हमारे 68,000 से अधिक ग्राम पंचायतें सुरक्षित हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको स्वयं चौकन्ना होना पड़ेगा और चौकन्ना हर प्रकार से, हर प्रकार की गतिविधियों पे,
आपको कोई परमानेंट थाने में नहीं जाना, साप्ताहिक रूप से वहां पर थाने थानाध्यक्षों के साथ या थाने के प्रभारियों के साथ सूचनाओं के आदान प्रदान की दृष्टि से कोई गंभीर कोई घटना घटित होने वाली है उस सूचना को उन तक पहुंचाने के लिए, या गांव में किसी भी समय आप गए और देखा आपने कि कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो असामान्य हैं, उनकी जानकारी संबंधित थाने में जाकर के या टेलीफोन से दे करके कि यहां पे असामान्य घटना है, गतिविधि चल रही है, तो स्वाभाविक रूप से आपके कार्य को लोग मान्यता देंगे। और आपके कार्य को जब मान्यता देंगे तो गांव के चौकीदार के रूप में पुलिस विभाग भी आपको सम्मान देता हुआ दिखाई देगा। आपने देखा होगा विगत दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई, जैसे जहरीली शराब से मौत किसी गांव में तो ही होगी, तो आखिर गांव का हमारा चौकीदार क्या कर रहा था, क्या उसको जानकारी नहीं? कहीं पर अवैध बूचड़खाने चल रहे हो, कहीं पर अवैध पशु तस्करी हो रही हो, कहीं पर अवैध खनन हो रहा हो, कहीं पर कोई ऐसी अवैध गतिविधि चल रही हो जिसकी समाज की सुरक्षा पर या राष्ट्र की सुरक्षा पर एक खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है, अगर इन सब की जानकारी समय रहते लेना और समय रहते उसकी सूचना को हम संबंधित थाने तक पहुंचाने की कार्रवाई कर सकें, तो आपका यह पद सचमुच आपको सम्मानित कर देगा, और नहीं तो यह पद आपके लिए स्वयं भी बोझ बन जाएगा। पद को कभी अपने ऊपर बोझ नहीं बनने देना चाहिए। ये पद हमें सम्मानित कर सके और इस दृष्टि से अपनी भूमिका का, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन जब हम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं आपके पक्ष में भी लोग होंगे, विरोध में भी लोग होंगे। पार्टी नहीं बनना है, लेकिन आपको सही भूमिका में सामने आना है जो समाज के हित में हो, और उस दृष्टि से जब आप अपनी इस भूमिका का निर्वहन करने लग जाएंगे तो बहुत बड़ा कार्य आपके माध्यम से हो सकता है। ग्राम प्रहरियों के यानी गांव के चौकीदारों की इसी भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हैं, और आपकी भूमिका तो गांव में हमेशा होती है, यद्यपि चौकीदार की भूमिका रात्रि में ज्यादा होती है, और इसीलिए देश के चौकीदार के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी ने सारे फैसले, चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा हो, रात्रि में ही किया, क्योंकि दुश्मन को तो रात्रि में ही मारा जाता है। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर हमला किया गया, वो रात्रि में ही किया गया। जीएसटी का फैसला भी रात्रि में ही लिया गया, रात्रि को 12 बजे, और नोटबंदी की कार्रवाई भी रात्रि में ही लिया गया। तो देश का चौकीदार अपने देश के प्रति और देश के 125 करोड़ लोगों के प्रति चौकन्ना है। क्या गांव का चौकीदार भी इसी चौकन्ना भाव के साथ कार्य करेगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी 24 घंटे मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, पूरा परिश्रम करते हैं, पूरे देश के बारे में सोचते हैं। उनकी योजना का आधार व्यक्ति, जाति, मत या मजहब नहीं है, उनकी योजनाओं का आधार गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का वो प्रत्येक तबका है जो अब तक योजनाओं से वंचित रहा है। तो देश के चौकीदार को देश के प्रत्येक व्यक्ति की चिंता है, देश की सुरक्षा की भी चिंता है, देश के विकास की भी चिंता है, तो गांव का हमारा चौकीदार भी कम से कम गांव की सुरक्षा के बारे में और गांव की गतिविधियों के बारे में अगर थानों को सही जानकारी देता रहे तो यह कर्तव्य बोध
आपको एक बड़ी भूमिका के साथ आगे बढ़ा सकता है।